फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू चैप्टर दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, लेकिन इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमें थोड़े पॉलिनॉमियल को भी टच करना होगा। ओके, आपको पॉलिनॉमियल्स तो आपने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में कवर किया। यू नो द पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव इंडेक्स व्होल नंबर। ओके, इसे कहा जाता है पॉलिनॉमियल्स। हमने पॉलिनॉमियल्स भी पढ़ा, पॉलिनॉमियल्स के टाइप भी देखे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ऐसा लिखा 7x प्लस 5, दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी इंडेक्स कितनी है? 1। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर मैंने ये लिखा, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बिकॉज हियर द इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। हाईएस्ट इंडेक्स, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स कितनी है? 2। इसीलिए इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसमें ही काम करना है। सो लेट्स सी, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मैं 0 से इक्वेट करती हूँ तो क्या बनता है? इट गेट कन्वर्टिंग टू द इक्वेशन एंड इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें स्क्वायर की टर्म हमेशा ही रहती है, जो भी वेरिएबल हो ये टर्म इसमें प्रेजेंट ही रहती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड स्टैंड फॉर 2। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, कंपेयर द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल विद 0, दैट्स व्हाई इट कन्वर्ट इनटू द इक्वेशन। नाउ वी हैव टू स्टडी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? इसमें हमेशा स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट होती है, तो ये जो होता है उसे कहा जाता है ax2, उसके बाद आता है bx और उसके बाद आता है c, which is equal to 0, and this is the standard form of quadratic equation. The standard form of quadratic equation is ax2 plus bx plus c is equal to 0. Square के term का जो भी coefficient है उसे a कहा जाता है, x का जो भी coefficient है उसे b कहा जाता है, और given equation में जो भी constant term है उसे c कहा जाता है। In general, quadratic equation हमेशा इस form में लिखा जाता है, हमारा RHS 0 रहता है। ओके, तो ये आपको तो समझ में आया, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इफ यू इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल विद 0, देन इट कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पॉलिनॉमियल के जीरोस ढूंढे थे। व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल? द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इज द वैल्यू इफ वी सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल, देन वी गेट द होल एक्सप्रेशन 0। दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कौन से भी पॉलिनॉमियल्स हो, उसमें अगर हम कौन सी भी वैल्यू वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर वो वैल्यू पूरे पॉलिनॉमियल का आंसर 0 देती है, तो वो वैल्यू पॉलिनॉमियल की 0 कहलाती है। ओके, इसी में यही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर हम x, दिस इज अ वेरिएबल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम x की जगह कुछ ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन दिस वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन, and that value we called as the solution of quadratic equation. वो value अगर हम variable की जगह substitute करते हैं तो हमारी LHS and RHS equal आती है, we called it as a satisfy the equation, and that value we called as a solution of or roots of quadratic equation. Okay, roots of quadratic equation or solution of quadratic equation, one and the same. Okay, ये बात तो हो गई। अब देखिए, हमने ये भी discuss किया था polynomial में, पॉलिनॉमियल अगर लीनियर हो तो हमें एक ही जीरो मिलेगा, पॉलिनॉमियल अगर क्वाड्रेटिक हो तो हमें 2 जीरो मिलेंगे। सिमिलरली, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं तो हमें कितने जीरो मिलते थे फ्रेंड्स? 2। यहाँ पे इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें 2 रूट्स मिलने वाले हैं। कितने रूट्स मिलने वाले हैं? 2 रूट्स मिलने वाले हैं। उसका नेचर वगैरह हम बाद में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, वो था ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें कॉन्स्टेंट टर्म एब्सेंट रही तो इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑफकोर्स यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें स्क्वेयर की टर्म दिखनी ही चाहिए, और ये जो x की इंडेक्स है वो कंपल्सरी 2 होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, प्लस 2 ही होनी चाहिए। इफ इट इज, अगर मैंने ऐसा लिखा a/x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, आप बोलेंगे मैम आप बोले हो स्क्वायर की टर्म दिख रही, तो दिख रही, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट इज ट्रू? नो, इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इफ यू ट्रांसफर x² टू द न्यूमरेटर इट बिकम -2। और अभी मैंने क्या बोला था, ये स्क्वायर
एक्स की हायर इंडेक्स टू ही होनी चाहिए, उसे होना ही चाहिए इक्वेशन में, और इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, उसे पॉजिटिव के फॉर्म में ही होना चाहिए. इफ इट इज अ नेगेटिव इंटीजर देन इट इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, दूसरी बात, अब हम डिस्कस कर रहे थे, सपोज यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म अब्सेंट है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नाम इक्वेशन को ये टर्म दिलवाती है, तो ये तो प्रेजेंट है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म है और स्क्वायर की टर्म है, बी एक्स है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा का? होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए एक्स स्क्वायर की टर्म है. अगर मैंने ऐसा लिखा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन को नाम देने वाली क्वाड्रेटिक, क्वाड, क्वाड स्टैंड फॉर टू, टू इंडेक्स वाली, वो टर्म है ही नहीं. सो इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ये स्क्वेयर के टर्म के लिए क्या क्या कंडीशन है? स्क्वेयर के टर्म के जो इंडेक्स है टू, इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए. हम जो भी इक्वेशन लिखते हैं उसमें क्या आता है, एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक्स, इसका इंडेक्स कितना है, वन, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है. अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिखती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी इंडेक्सेस फॉर्म होते हैं वो कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, क्योंकि रूट एक्स को लिखा जाएगा एक्स रेस टू हाफ, सो दैट्स वाई इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कौन सा भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसमें स्क्वायर की टर्म होने ही चाहिए. एक्स रेस टू टू, ये जो टू है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए. ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसे डिसाइड करते हैं वेदर द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सो लेट्स से हियर वी कंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल, एक्स प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू इन साइड ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री. ठीक है, ये इक्वेशन को डायरेक्ट डिसाइड नहीं करने का, वी फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वी हैव टू मेक द आर एच एस जीरो, सो दैट ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की मदद से इसे ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू टू इंटू एक्स, टू एक्स, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स, सो दैट एक्स स्क्वायर टू एक्स, दिस टू एक्स कम टू द एलएचएस इट बिकम माइनस प्लस वन, दिस सिक्स कम टू हियर इट बिकम प्लस विच इज इक्वल टू जीरो, सो दैट प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स गेट कैंसल, सो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो. इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑफकोर्स, मैंने बताया था दो बी एक्स टर्म इज अब्सेंट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नाम देने वाली स्क्वेयर की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है. सो दैट गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट वन, अब हम दूसरा वाला लेंगे. यहाँ पे भी हमें डिसाइड करना है, हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते, यू हैव टू राइट दिस इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद आप लिखेंगे x माइनस वन, यहाँ पे आएगा x प्लस थ्री. ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स, टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू वन माइनस टू, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री, थ्री एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री. ठीक है, वी हैव टू ट्रांसफर ऑल थिंग्स टू द एल एच एस, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आके माइनस एक्स स्क्वायर होगी, माइनस टू एक्स ये आएगा माइनस एक्स, ये माइनस टू लिखेंगे, सो यहाँ पे ये तो ट्रांसफर हो गई, थ्री एक्स माइनस एक्स ये आएगा प्लस टू एक्स, जो यहाँ आके माइनस टू एक्स होगा, और ये आएगा प्लस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो, हमने आर एच एस को जीरो बना दिया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, तो क्या बचता है, एक्स माइनस टू एक्स ये माइनस थ्री एक्स, यह आएगा थ्री माइनस टू प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो. लेट्स सी, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, दैट्स वाई इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर की टर्म अब्सेंट ही है. सो लेट्स कंसिडर एक्स प्लस टू होल ब्रैकेट क्यूब, थर्ड वन, एक्स प्लस टू होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स इनसाइड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन.
ठीक है, हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब दैट इज अ ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू टू एक्स इन टू एक्स स्क्वेयर टू एक्स क्यूब. सो टू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स. वी हैव टू ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू द एलएचएस एंड मेक द आरएचएस जीरो. ये आएगी एक्स क्यूब, ये माइनस टू एक्स क्यूब एलएचएस में आके माइनस हो जाएगा. थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री टू का स्क्वायर फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स. ये माइनस टू एक्स यहाँ के प्लस टू एक्स होगा और ये रहेगा एट विच इज इक्वल टू जीरो. हियर वी मेक द आरएचएस जीरो. उसके बाद ये आएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, ये आएगा माइनस एक्स क्यूब. सो प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर ट्वेल्व प्लस टू ये आएगा फोर्टीन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? थ्री. हमें हाईएस्ट डिग्री कितनी लगती है कंपल्सरी? दो. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं. सो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था बिकॉज यह एक्स क्यूब एंड वी वॉन्ट जस्ट स्क्वेयर स्क्वेयर वल्टर. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सो लेट्स सी. एक्स स्क्वेयर प्लस टू रूट एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस टू रूट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा लग रहा है बिकॉज एक्स स्क्वेयर इज प्रेजेंट. लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है? जिसमें हाईएस्ट डिग्री टू होती है. और पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें हर वेरिएबल का इंडेक्स वोल नंबर होता है. यहाँ पे देखिए, ये स्क्वेयर की टर्म तो है लेकिन हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्स रेस टू वन हाफ. ये कैसे फॉर्म में आ रहा है? एक्स रेस टू वन हाफ. सो इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं. यहाँ पे हमें हर वेरिएबल का इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो हम लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको समझ में आ रहा है कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ये आपको चेक करने के लिए आता है एक मार्क्स के लिए. सो लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पे क्या दिया है फ्रेंड्स? यहाँ पे है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. आप देख के ही बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. नहीं है. सो लेट्स सी, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे. क्या होगा? ये एक्स है. अगर हमें डिनोमिनेटर में एक्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन ये इक्वेशन है इसलिए जो भी ऑपरेशन एक टर्म पे करते हैं वो सब इक्वेशन पे करना पड़ेगा. तो मैं यहां लिखती हूं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एक्स. सो मल्टीप्लाई, इसको भी एक्स से होगा, इसको भी एक्स से होगा, इसको भी. सो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स एक्स गेट कैंसल प्लस थ्री विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू फोर. इस टर्म को भी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो एक्स ये इसका इंडेक्स वन है तो क्या होगा? एक्स रेस टू फोर. सो अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं. इस इक्वेशन की हाइएस्ट डिग्री कितनी है? फोर. सो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होते, ये भी पता होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. सो लेट्स कंसिडर वन मोर. एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू. इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप झट से बोल दोगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. स्क्वायर की टर्म दिख रही है? एक नहीं, दो दो बार दिख रही है फ्रेंड्स. लेकिन ये कहाँ पे दिख रही है? ये डिनोमिनेटर में दिख रही है. ठीक है, आपको ये टर्म नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एक्स स्क्वेयर. सो मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए ना, न्यूमरेटर में चल सकती है तो कर दो. ये एक्स स्क्वेयर, इसको भी एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे. ये वन इंटू एक्स स्क्वेयर, ये अपॉन एक्स स्क्वेयर. सो टू इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर गेट कैंसल. तो क्या होता है यहाँ पे? क्या हुआ? ये हुआ एक्स रस टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन में क्या आया? हायर डिग्री आ गई फोर. सो इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे जस्ट देख के आपको नहीं बोलना है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू हैव टू सॉल्व इट, आफ्टर दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. हेलो फ्रेंड्स, हमने 10th स्टैंडर्ड के
सीबीएसई का मैथ्स का पूरा ऐप डिजाइन किया है, जिसमें हमने मैथ्स के सीबीएसई और एनसीईआरटी के सब चैप्टर सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं और उसमें हर एक चैप्टर के कंसेप्ट प्रॉपरली समझाए गए हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐप होते हैं फ्रेंड्स, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ऐप एंड अवर ऐप? द मेन डिफरेंस इज दैट हम पूरे सीक्वेंस से गए हैं, हर एक चैप्टर को हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज को भी हमने पढ़ाया है प्रॉपरली। एग्जाम्पल हर एक एग्जाम्पल पे हमने फोकस किया है, हर लेवल के एग्जाम्पल हमने लिए हैं। वैसे मार्केट में तो आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे, उसमें कहा जाता है आपको जो भी क्वेश्चन की डिफिकल्टीज हो हमें सेंड कर दीजिए, हम एक मिनट में आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना, दैट इज नॉट मैथ्स। मैथ्स को आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाना पड़ता है, उसके बाद एज पर द कंसेप्ट आपको खुद को वो एग्जाम्पल सॉल्व करते आने चाहिए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। और ये मैथ्स आपका जो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, ये लाइफ लॉन्ग आपको लगने वाला है। जैसे 11th 12th और आगे भी आप जाओगे तो यही आपका बेसिक लगने वाला है। दैट्स वाई ये बेसिक आपको बाय हर्ट प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर करके ही होना चाहिए। इसमें हमने क्या किया है, हर एक चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ाया है। वैसे तो फ्रेंड्स यूट्यूब पे आपको ढेरों सारे वीडियोस मिलेंगे, किसी वीडियोस में एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है, एग्जाम्पल सॉल्व किए नहीं होते, किसी वीडियोस में डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए होते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं होता है। हमने ये सब देखते हुए हर एक टॉपिक पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, आप साल भर में जब भी आप इसको रिवाइज करना चाहोगे तब भी आप इसे रिवाइज कर सकते हो। स्कूल में क्या होता है फ्रेंड्स, आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, जब एग्जाम आती है तो आप इनिशियली स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और आपके एग्जाम है, आपको 5 चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको फर्स्ट चैप्टर्स रिवाइज करना पड़ेगा। एट दैट टाइम टीचर्स आपकी जस्ट रिविजन ले सकते हैं, इनिशियली से पढ़ा नहीं सकते। तब आप क्या कर सकते हो, तब आपको ध्यान में आता है कि हमारा एक कंसेप्ट बाकी था, हम ये करना भूल गए, हमें पहले आता था लेकिन अब कुछ तो भी डिफिकल्टी आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, ये अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके परमानेंटली आपके मोबाइल में रहेगा। आपको जब भी चाहिए आप जाइए उस चैप्टर को ओपन कीजिए, आपको उस टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एग्जाम्पल भी इसमें सॉल्व करके दिए, यानी आपको जब भी चाहिए तब आप ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। अगर आप ये सिक्वेंसली स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपके 10th के मैथ्स के मार्क्स में ग्रोथ होगी ही होगी। हमने ये जो ऐप डिज़ाइन किया है, हमने सब बच्चों के प्रॉब्लम को सब समझकर हमारे 15-16 ईयर्स का एक्सपीरियंस से ये ऐप हमने डिज़ाइन किया है, हर एक बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। दैट्स वाई यू डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। फ्रेंड्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, उसके बाद हमने ये भी चेक किया वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ओके, देयर आर सम सिचुएशंस, विद द हेल्प ऑफ दैट सिचुएशन वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जस्ट फॉर्म करना है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। सो लेट्स सी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल होगा, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे वन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, तो लेंथ एंड ब्रेथ भी हमें ढूंढनी है, लेकिन हम दो वेरिएबल तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ से एक ज्यादा है और उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। ओके, यानी अगर हमें लेंथ लेनी होगी तो बिफोर दैट वी हैव टू टेक द ब्रेथ, क्योंकि लेंथ इज टोटल डिपेंड अपॉन द ब्रेथ। तो ये समझ में आता है, इट इज अ वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें फॉर्म करना है। ठीक है, इसीलिए हम पहले क्या कंसिडर करेंगे, हमें जो भी ढूंढना होता है वही हम कंसिडरेशन में लेते हैं। हमें लेंथ भी ढूंढनी है और ब्रेथ भी ढूंढनी है, लेकिन हम दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज अवर लेंथ इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ब्रेथ। मीन्स पहले हमें ब्रेथ कंसिडर करने पड़ेगी, आफ्टर दैट वी हैव टू कंसिडर द लेंथ। ओके, सो दैट हम इसके लिए कंसिडर करेंगे लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स मीटर। अब हमारी ब्रेथ कितनी हुई, एक्स मीटर। सो लेंथ बिकम्स, अब लेंथ क्या बनेगी फ्रेंड्स, लेट्स सी क्या दी है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन, वन मोर यानी देखिए वन मोर प्लस इंक्रीज प्लस, इसके लिए ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं, वन मोर देन किस से, ट्वाइस इज ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, जैसा वर्ड है जैसा सेंटेंस है वैसे हमने किया, वन मोर यानी प्लस वन, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ तो हमने एक्स की है, तो लेंथ कितनी हुई फ्रेंड, अवर लेंथ बिकम 2x प्लस 1।
यानी जब तक हम ब्रेथ नहीं लेते थे तब तक हमें लेंथ नहीं मिलने वाली थी। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड अ लेंथ एंड ब्रेथ, हमें यहाँ पे एरिया भी गिवन है। सो प्लॉट इज रेक्टेंगुलर, प्लॉट इज रेक्टेंगुलर, देयरफॉर एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू एल इन टू बी। सो दैट हमें एरिया गिवन है, एरिया है 528 मीटर स्क्वेयर। सो वी हैव टू फॉर्म इक्वेशन, सो वी डोंट राइट हियर यूनिट। लेंथ कितनी ली फ्रेंड्स हमने, 2x प्लस 1 इन टू आवर ब्रेथ इज x, ठीक है। सो अवर इक्वेशन बिकम, ये 528 यहाँ पे लिखेंगे, सो x into 2x, 2x square, x into 1, x, so that 0 is equal to 2x square plus x minus 525, that is 2x square plus x minus 528, which is equal to 0, and this is the required quadratic equation with the help of this situation। समझ में आया friends, मैंने कैसे किया, आपको ब्रेथ कंसिडर करनी थी जो हमने एक्स कंसिडर की, हमारी लेंथ टोटली ब्रेथ पे डिपेंड थी बिकॉज लेंथ इज वन मोर देन इट ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दैट्स वाई हमने पहले ब्रेथ ली उसके बाद हमें लेंथ मिली। यहाँ पे एरिया गिवन था, प्लॉट इज अ रेक्टेंगुलर, सो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इन टू बी, एल की जगह एल लिखा, बी की जगह बी लिखा, बाय ओपनिंग द ब्रैकेट विथ एक्स वी हैव टू गेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 528, वहां जाके वो माइनस हो गया, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो कंसिडर द नेक्स्ट वन, अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ओके टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स सी, अगर मैंने पहला वाला इंटीजर वन लिया, उसके बाद उसके तुरंत ही बाद आने वाले को कंसेक्यूटिव कहा जाता है, वन के बाद कौन आता है, टू, लेकिन हमें टू कैसा मिलेगा, हमें वन में अगर वन ऐड कर दिया तो हमें टू मिलेगा। अगर मैंने फर्स्ट वाला पॉजिटिव इंटीजर टू कंसिडर किया, उसके बाद ही आने वाला कौन है, थ्री, तो टू से थ्री कैसा मिलेगा, अगर मैं उसमें वन ऐड करती हूँ तो आई गेट द थ्री। सो टू एंड थ्री आर द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी समझ में आया इसके पीछे क्या फंटा है, इसके पीछे ऐसा है, अगर हम टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो पहले वाला अगर एक्स लेते हैं तो दूसरा कैसा मिलेगा उसमें वन ऐड करके, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे लेट टू, लेट टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो एज पर द कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो लिखेंगे एज पर कंडीशन, क्या कंडीशन है गिवन यहाँ पे, देयर प्रोडक्ट, टू कॉन्जिगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306, सो वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू वन, एक्स, सो 306 कम टू द LHS, इट बिकम माइनस एंड अवर RHS बिकम जीरो, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, सो लेट्स कंसिडर द थर्ड सिचुएशन, सो रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages is 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. Actually, Rohan ka age nahi dhoondna. Here we just have to form the equation as per the situation. Rohan's mother is 26 years older than him. Rohan ki maa usse 26 saal badi hai. Yaani hame pehle kiska age consider karna hoga? Rohan ka. Let रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, रोहन का एज कितना हुआ एक्स ईयर्स, एंड हीज मदर्स एज, हीज मदर्स एज बी, उसके माँ का एज कितना होगा, वो उससे 26 साल बड़ी है ना, उसका एज कितना है एक्स, और उसमें 26 ऐड कर दो, सो हर मदर्स एज इज एक्स प्लस 26 ईयर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, रोहन कितने साल का है x, उसकी माँ कितने साल की है x प्लस 26। अब क्या कंडीशन दी है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, आज से 3 साल के बाद, ये जो मैंने एजेस लिखे हैं
ये आज के जैसे रोहन आज X years का है, यानी 3 साल के बाद वो कितना होगा X plus 3. मदर आज X plus 26 year की है, 3 साल के बाद मदर कितनी होगी X plus 26 plus 3. क्योंकि ये जो कंडीशन अप्लाई करनी है, ये जो एजेस के प्रोडक्ट लेने हैं वो 3 साल के बाद के एजेस के लिए लेने हैं. सो वी हैव टू राइट हियर आफ्टर 3 years रोहन विल बी, रोहन्स एज will be कितना होगा उसका एज x plus 3 years and mother will be x plus 26 plus 3 years. मदर होगी x plus 29 years. अब इन दोनों का एजेस का प्रोडक्ट लेना है. लेट्स सी the product of their ages is 3 years from now will be 360. यानी 3 साल के बाद पहले present age लिया था, उसके बाद उसमें 3 years add करके 3 साल के बाद का age consider किया x plus 3 and x plus 29. अब इनका product लेना है. So by condition, so given condition ये है, we have to take their products x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. So we have to open the bracket. So x into x, x square. X plus 29, 29x. 3 into x, 3x. 3 into 29, minus 360, which is equal to 0. So here, x square, 29 plus 3, yeah, I got 32x minus 360. माइनस 87, लेट्स सी यहाँ पे माइनस ही आएगा. सो दिस इज अ माइनस 273 विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फ्रेंड्स अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? फ्रेंड्स हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, उसमें जीरोज क्या है ये आपको पता है. Zeros of the polynomial is that value if you substitute in the place of variable and it make the whole algebraic expression zero, that value we consider as zero of the polynomial. ठीक है, यानी algebraic expression जो भी polynomial का algebraic expression हो उसकी variable की जगह अगर हम एक specific value substitute करते हैं, on substituting that value if the whole algebraic expression becomes zero, then we say that this value is a zero of polynomial. ये आपको पता है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं. ओके, ये तो एज पर द डेफिनेशन इज सिंपल थिंग. अगर मैं आपको बताती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू साइड्स इन जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ये हमारी आर एच एस ऑलरेडी जीरो है, तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाएगा? अगर हम यहाँ पे वेरिएबल की जगह एक स्पेसिफिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल, देन अवर एल एच एस बिकम आर एच एस, that is LHS equal to RHS, at that time we say that this value satisfy the equation and this value we call as a roots of quadratic equation. ठीक है, हमने previous chapter में देखा था, जैसा polynomial का type होगा वैसे उसको roots रहते हैं, यानी linear polynomial की एक ही zero रहता है. हमने previous chapter में देखा जैसे polynomial रहते हैं, जैसे पॉलिनोमियल का टाइप रहता है वैसे ही उसके जीरोज रहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल को एक ही जीरो रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो जीरो रहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को तीन जीरो रहेंगे. ऐसा ही यहाँ पे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, यानी इसके रूट्स रहेंगे दो. आपको समझ में आ रहा है? हमें एक मार्क्स के लिए सवाल भी आता है, चेक वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट द वेरिएबल आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट. ओके, सो लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल. हियर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, अगर मैं यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री, मैं एल एच एस लेती हूँ, हमारी एल एच एस है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, मैं एक्स की जगह थ्री सब्सिट्यूट करती हूँ, सो थ्री स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सिक्स, थ्री स्क्वायर इज नाइन, माइनस थ्री माइनस सिक्स नाइन, माइनस
3, it becomes 6 minus 6, which is equal to 0. And this 0 is our RHS. That means on substituting x is equal to 3, this 3 satisfy the equation and make, that means it make the LHS equal to RHS. That's why x is equal to 3 is the root of given quadratic equation. समझ में आ रहा है रूट क्या है? अब हमें ये रूट क्या है ये पता चला, ठीक है फ्रेंड्स. हमें क्वेश्चन आता है, चेक गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट. सॉल्यूशन यानी रूट ही होता है, रूट एंड सॉल्यूशन वन एंड द सेम. तो हमें चेक करना है ये वैल्यू इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं, यानी वी हैव टू चेक वेदर द एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हाफ सेटिस्फाई द इक्वेशन. इफ इट इज सेटिस्फाइड देन इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देन इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. सो लेट्स सी. अब हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हाफ इन LHS. सो आवर LHS इज 6x square minus x minus 2. So 6, value of x is minus 1 half whole bracket square. This is a minus 1 half minus 2. 6, negative square is positive into 1 upon 4. Minus minus become plus, ye minus 2. So ye aega 6 upon 4 plus 1 half minus 2. So we have to minimize it. 2 3s are 2 2s are plus 1 half. Minus 2. So let's see. 3 plus 1, 4 by 2 minus 2. Yeah, I got 2. 2 2s are 4. So 2 minus 2, which is equal to 0, and which is our RHS. याने x is equal to minus 1 half मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो उसने इक्वेशन को satisfy किया, इसका पूरा आंसर 0 आ गया, which is equal to RHS. याने on substituting x is equal to 1 half our LHS equal to RHS. याने 1 half ने इक्वेशन को satisfy किया, therefore x is equal to minus 1 half is solution of given equation. समझ में आया friends? Similarly you can check with the two thought.